वरकातुहू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? फिर ऑफिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसी जा रही है स्टडी आप लोगों की? सर, A1 जा रही है। जो काम प्रैक्टिकल वाले हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है, वो जरा मजा आ रहा है ज्यादा। जो थ्योरी वाले हैं, वो जरा बोर हो जाता है मेरा। जी, अल्लाह ताला बेहतर करे, आसानियाँ पैदा फरमाए। जी, इंटरेस्ट लेके पढ़ा करें, क्योंकि ना थ्योरी के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, थ्योरेटिकली आपको कंसेप्ट पता होंगे तो प्रैक्टिकली आप लोग कर सकेंगे। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता हुआ कि आप लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं। यस सर, बस सर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो थ्योरी जो है ना वो देर लग जाती है, बाकी तो पढ़ते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आई थिंक सो लैंग्वेजेस इन वेब पढ़ रहे थे। हाँ, यस सर, हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी। ठीक है। तो आज PHP को बस कंप्लीट करते हैं, वो थोड़ा सा उसका है, उसके बाद उसकी एक स्लाइड भी है वैसे तो PHP की, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो। ठीक है, वो भी देख लेंगे। जी एजेक्स तक पढ़ा था, एजेक्स तक में। ठीक है, देख लेते हैं आज उसको भी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस वन लेक्चर से तो बेटा वो पूछ लें। हाँ जी, किसी का कोई प्रीवियस वन लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यार रहमान तारिक क्या करेगा, पांच पांच रिक्वेस्ट उसकी आ रही है क्लास में इंटर होने के लिए। हाँ जी, बाकी बच्चों को भी समझ आती है कि नहीं आती बच्चों? अच्छा जी, एक और स्लाइड शेयर हुई है, देखें आपके साथ। जी सर, बेसिकली आज हमने पढ़ना है PHP। ठीक है, तो PHP बेसिकली लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है जिस बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि हमारे अपने वेबसाइट को फुली फंक्शनल करना हो तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है जी, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है जी? PHP। PHP ठीक है जी, PHP भी यूज़ करते हैं, .NET भी यूज़ करते हैं, पाइथन भी यूज़ करते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करते हैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो PHP का थोड़ा सा सिंटैक्स भी देख लेंगे आज, और इसके ओपन सोर्स जो सर्वर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लोकली सर्वर्स, उसका भी हम देख लेंगे। ठीक है, वो भी आज मैं डायरेक्टरी बता दूंगा, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, क्या कहते हैं जी? प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर से पहले इसका जो नाम था, कॉल किया जाता था, वो था पर्सनल होम पेज। क्या था जी? पर्सन। पर्सनल होम पेज। ठीक है जी, जिस तरह HTML क्लाइंट साइड लैंग्वेज है,
यानी कि जो क्लाइंट के एंड पे अंडरस्टैंडेबल है, जैसे ब्राउजर पे है, पीएचपी किस एंड पे अंडरस्टैंडेबल है? सर्वर साइड पे। किस साइड पे है? सर्वर साइड पे, यानी कि सर फ्रंट उधर आउट एंड पे। सर्वर एंड पे। ठीक है जी, सर्वर एंड का क्या मतलब है जी? जो सर्वर पे जस्ट अंडरस्टैंडेबल है, जो सर्वर है वो HTML अंडरस्टैंड नहीं करता, वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जी? PHP। और HTML जो है वो लैंग्वेज कहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है? ब्राउजर पे। ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ जो डेटाबेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेसेस, हर डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेट हो सकती है ऑलमोस्ट। तो MySQL है, ओरेकल की है, जो फेमस आपने देखी होंगी। ठीक है, SQL सर्वर यानी कि आपके पास है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो लेकिन जो PHP में जब आप यूज़ करते हैं, वो मोस्टली कौन सी यूज़ हो रही होती है? MySQL। कौन सी यूज़ होती है डेटाबेस मोस्टली? MySQL। ठीक है, उसके बाद है कि जो PHP की फाइल है, हमको उसको जिस तरह HTML की फाइल को हम सेव करते हैं .html के साथ, PHP की फाइल को हम किसके साथ सेव करते हैं, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? .php। किस एक्सटेंशन के साथ करते हैं? .php .php के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है, विंडो पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इसको रन करने के लिए। फिर इसके लिए जो इसके लिए लोकली सर्वर हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हमारे पास दो सर्वर लोकली अवेलेबल हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी? रैम्प और वैम्प और ज़ैम्प, जिसमें ये पैकेज आते हैं अपाची का, IIIS का। ठीक है जी, समझ आइए। और PHP की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो ये वाली है, php.net। ठीक है, सीखने में आसान है, इजीली आपके पास एफिशिएंटली आपके सर्वर साइट पे क्या हो जाती है? रन हो जाती है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक सबको? यार सर, ये एक बार ये बताइएगा जरा, वैम्प वाला ये वाला। ये लोकली सर्वर दो अवेलेबल हैं, वैम्प और ज़ैम्प। ये मैं अभी आपको रन करके भी दिखाऊंगा, उसकी वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेने। ठीक है, आप अगर आप PHP सीखना चाहते हैं तो आपको वैम्प या ज़ैम्प कोई भी एक सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका सॉफ्टवेयर हाँ जी, हाँ पीएचपी जी, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। अब मैं इस स्लाइड को इसको क्या कहते हैं पॉइंट्स में बताता चलो। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या है, कोई बताएगा इसको, एक्सप्लेन करे? का। यस सर, पीएचपी स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज। हाँ जी, PHP बेसिकली लैंग्वेज है, बैक एंड लैंग्वेज है, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इससे पहले इसका नाम था पर्सनल होम पेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। इसके साथ डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेसेस सपोर्टेड हैं। फर्स्ट डेटाबेसेस जो MySQL है, ओरेकल की है, SQL सर्वर है। जोन सी डेटाबेस आपको ठीक लगती है, जिस तरह मोस्टली इसके साथ जो डेटाबेस यूज होती है वो MySQL यूज होती है। इसकी एक्सटेंशन किसके साथ सेव होती है? .php के साथ। ओके, एंड फिर उसके बाद है डिफरेंट इसके सर्वर लोकली अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है वैम, दूसरा है ज़ैम, XAMP ज़ैम। फिर इसकी वेबसाइट है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ठीक है, तो आप क्या करते हैं, php.net से जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। PHP सीखने में आसान है और सर्वर साइड पे इजीली रन हो जाती है। ठीक है, ये समझ आई सबको? यस सर, बैक एंड लैंग्वेज। रहमान है क्लास में? हमजा उमर, रहमान, हमजा उमर।
हमजा शाह, मोहम्मद उमर हैं क्लास में? मोहम्मद उमर 1 4 9 3 0, 1 5 2 5 9, हमजा शाह 1 5 2 5 9, 2 5 9, रहमान जी सर, भाई क्लास में जी। हमजा बताएं, ये पीएचपी का क्या हमने स्टार्ट किया है, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा, जो भी पढ़ा है हमने। हमजा सर हमजा बताएं, हमजा बताएं क्या पढ़ा है हमने अभी। हमजा आप इधर ही, कमाल हो गया वैसे ना, क्या करें। मोहम्मद अनस, ये मायरा पढ़ा कि फीस जी जी बताएं अनस। सर्वर एंड लैंग्वेज, ओके दैट्स ग्रेट। और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका स्टैंड फॉर पीएचपी सर्वर। और ये मतलब आपने अभी तक सीखने में इजी है, जी इम्प्लीमेंट ठीक है अगर है सीख। ठीक है, गुड अनस बेटा। मायरा हफीज हैं क्लास में? मरियम, मरियम निशात जी सर, जी बेटा बताएं क्या हमने इसका पढ़ा है पीएचपी के बारे में अभी जो इंट्रोडक्शन सर में। आपने बताया था कि ये पर्सनल होम पेज जिसे कहते थे, जी और ठीक इसका है जो डेटाबेस यूज होता है वो माई एसक्यूएल है, और उसकी जो फाइल सेव करवाते हैं डॉट पीएचपी के जी, गुड बेटा एक्सटेंशन से, और ये लिनक्स और विंडोज पे। जी ठीक है, माशाल्लाह गुड। ठीक है तो ये था बेसिक इसकी। तो अब जो बेसिकली है इसका जो बेसिक सिंटेक्स है, जिस तरह हमने HTML का बेसिक सिंटेक्स देखा था, अब क्या HTML का बेसिक सिंटेक्स आपने बेटा देखा था, आप लिखते हैं HTML, ये ठीक है, हेड का टैग लिखते हैं, आप ये बताते हैं कि ये HTML का बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स कह लें या इसको किसी हद तक। अब हमने PHP का बेसिकली सिंटैक्स देखना है, क्या देखना है, PHP का। PHP का बेसिकली, PHP भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास पेयर टाइप की एग्जांपल है, उसको PHP को जहां भी आपने लिखा है तो इस तरह लिखेंगे। PHP का स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ऐसी होती है बस, और वट एवर जो भी आपने कोड लिखना है PHP का, यहाँ पे लिखना है, समझ आइए। लेस देन का साइन, दोबारा लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क और PHP, ओके ठीक है। और इसको क्लोज कैसे करना है, कि जब PHP एंड कैसे करनी है, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, आपने जो कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिखना है। जैसे बच्चे आपने देखा जावास्क्रिप्ट, आपने देखी थी जावास्क्रिप्ट की आउटपुट लिखने के लिए हम क्या लिखते थे, पेज पे अगर हमने आउटपुट लेनी हो क्या लिखते थे, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते थे जब। सर हाँ जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, जी एग्जैक्टली, माशाल्लाह गुड। आप देखिए बेटा क्या लिखते थे वहां पे, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में अगर आपने ब्राउजर पे कुछ प्रिंट करवाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप जिस तरह बच्चे ने बताया अभी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे जो मर्जी लिखते हैं आप, ठीक है, हेलो लिखते हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, ये इसका सिंटेक्स था, ठीक है। अब आपने PHP के थ्रू कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है, क्यों ना कि ये अपने सर्वर पे, पहली बात है सर्वर पे रन करेंगे तो, लेकिन ब्राउजर के थ्रू आउटपुट दिखाएंगे ना इसकी, तो आपने इसके लिए क्या यूज करना है, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, बच्चे आपने बिल्कुल इसी तरह इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज होती है एको, क्या यूज करते हैं, एको क्या यूज करते हैं वर्ड प्रिंट करवाने के लिए, एको एको, यहाँ पे इसके डबल ये कॉमास लगेंगे, यहाँ पे आप वट एवर जो भी लिख दें, और इसको सेमी कॉलन के साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन
करेंगे। यहाँ पे आप वट एवर जो मर्जी कुछ लिखते हैं तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रही है? समझ आई है? Yes, sir. जी, ये मैं भी आपको ये प्रैक्टिकली भी बताता हूँ, परेशान नहीं होना। इस स्लाइड में, नेक्स्ट वाली स्लाइड में यही कुछ है कि आप पीएचपी स्क्रिप्टिंग ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट विद दिस वन टैग एंड एंडिंग विद दिस टैग। ठीक है जी, पीएचपी का स्क्रिप्ट आप पेज में एचटीएमएल में कहीं भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप और यहां तक समझ आइए। हेड के टैग में लिखें, बॉडी के टैग में लिखें, बॉडी के बाद लिखें, एचटीएमएल के बाद लिखें, कहीं भी आप पीएचपी का क्या लिख सकते हैं, कोडिंग लिख सकते हैं। ओके, थर्ड वन बताता है कि जिस तरह आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में, जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसकी डेटा टाइप्स आप बताते हैं ना कि नहीं बताते? क्या सर बताते हैं? इसमें जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसकी डेटा टाइप नहीं बताते, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू उसको असाइन करते हैं वो उस टाइप का क्रिएट हो जाता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, क्या है, फर्ज करें इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं डॉलर साइन के साथ। किसके साथ? डॉलर साइन के साथ। मैंने लिखा डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 10, ये किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया? इंटीजर टाइप का। किस टाइप का? इंटीजर टाइप। ये थर्ड पॉइंट में ये बेटा कहना चाह रहा है, देखिए मैंने इसके साथ कोई इंट लिखा, ठीक है, yes, sir. इसी तरह इसमें वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह सी प्लस प्लस में आप इफ एल्स लगाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, एरे क्रिएट करते हैं, सारा का सारा चीज़ें आप पीएचपी में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एरेज सब कुछ यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल दी गई है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं? एको, एको, इको, कई प्रोनाउंसिएशन की बोलते हैं एको। ठीक है, और वेब इंजीनियरिंग मैंने लिख दिया। ठीक है जी, वेब डिजाइन एप्लीकेशन जो वॉट एवर जो भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपका स्क्रीन yes, प्रिंट हो जाएगा ये चीज। कंक्लूजन है जी, हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस देखी हैं, फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से भी देखी हैं, बैक एंड की सिर्फ एक पीएचपी देखी है लैंग्वेज। अब वो कहता है कि इन लैंग्वेजेस के जरिए, ठीक है, आप शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं लाइक जी। मैंने कहा यानी कि फिर वो डॉलर का साइन तो लगाएंगे जब वो कोई वैल्यू देंगे ना, बस डॉलर तो लाजमी आएगा जी। वेरिएबल जब क्रिएट करेंगे जी बेटा। ठीक है। आप इसके जरिए डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट, जिस तरह आपकी फेसबुक है ये पीएचपी में बनी हुई है, ebay.com बना सकते हैं, yetego.com है, इंटरनेट मार्केट पॉसिबल वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की आप साइट्स बना सकते हैं लैंग्वेजेस के थ्रू, जो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा एक स्लाइड ऐसी तैयार करूँ आपके लिए, क्योंकि अगर ये हमारा कोर्स टाइम भी हमारा कंप्लीट हो जाता है तो मैं पीएचपी की आपको ना बेसिक सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, जिसमें इफ एल्स कैसे लगाते हैं, फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं, व्हाइल लूप कैसे लगाते हैं, एरेस कैसे लगते हैं हमारे पास सारे के सारे। ठीक है जी, समझ आइए? यस सर। अच्छा जी, अब मैंने पीएचपी का आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ इसकी वेबसाइट का, इसकी जो वैम्प और जैम्प हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, वैम्प और जैम्प अवेलेबल है हमारे पास। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता चलूँ,
जी स्क्रीन शेयर हुई आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा जी, अब मैं आप ZAMP का या ZAMP का आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है जी ZAMP, हमने इंस्टॉल करना है ZAMP सर्वर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये ZAMP सर्वर वाली मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, ये वेबसाइट आ गई। इसमें आपके ये मैंने लिंक भेज दिया आपको जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने इसमें क्या देखना है, देखना जी ये सर्वर आपके पास डिफरेंट, आपकी विंडो अगर 32 बिट है जी तो 32 बिट आपने डाउनलोड कर लेना है, 64 यहाँ से 64 डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ये इसका पैकेज है जो सारी चीज़ें आपके पास इंस्टॉल होंगी। ओके ठीक है, कर ले या ZAMP कर ले, कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है बच्चे, ZAMP भी कर सकते हैं। देखना अभी ये तो मैंने ZAMP आपको शो कराया ना, यहाँ से जाके आप ZAMP डाउनलोड कर लें ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपके पास है जी, मैं कहता हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं ZAMP, आप ZAMP डाउनलोड कर सकते हैं, ZAMP की वेबसाइट आपके पास है, ZAMP डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। ये देख रहे हैं विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, ओएक्स के लिए डिफरेंट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहे हैं, जिसके लिए आपको चाहिए उसके लिए डाउनलोड कर लें, एक चीज। अब बेटा दूसरी चीज ये है आपके पास, जिस तरह PHP का वर्जन कौन सा चल रहा है, 8.06 लेटेस्ट। अच्छा जी, ये फर्ज करें मैंने आप डाउनलोड कर लिया, आप जब डाउनलोड कर लेंगे ना जी, आपने अब इसको इसको रन करना है। ये मेरे रन हुआ हुआ है, मैं इसको करता हूँ क्लोज सर्वर। अब इस चीज को आपने गौर से देखना है, ZAMP जी हो गया जी, ZAMP सर्वर 64 मेरे इंस्टॉल है, ठीक है जी। मैंने इसको रन किया, समझ आ रही है, ये लोकल सर्वर आपके इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बेसिकली तीन सर्विसेज होती हैं, अपाची की होती हैं, PHP की होती हैं, ठीक है। वो देखें ये पहले किस फॉर्म में है, रेड कलर में आपके पास, फिर ये ब्राउन होगा, फिर आपके पास ये ग्रीन होगा, ठीक है। जब ग्रीन हो जाएगा इट्स मीन कि इसकी 3 सर्विसेज रन हो गई हैं, ये बता रहा है ना अभी कि नन ऑफ 3 सर्विसेज। ये देखें ये अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा ये रेडी है, ठीक है जी, अभी हो जाएगा ये, देखना सर्विसेज इसकी रन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी बेटा, उसके बाद क्या होगा जी, जब तक ये रन होता है तो मैं फिर आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा जी। अच्छा जी, अच्छा, अब आपने एक और चीज इसके साथ बताता चलूं, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे इसकी जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे सेव होती है जाके, जहाँ पे जाके ये बेसिकली इंस्टॉल होता है, सी में। जिस तरह बच्चा भी कह रहा था कि सर ZAMP भी कर सकते हैं, तो ये ZAMP ये इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे पास, मैंने ZAMP भी है, मेरे पास ZAMP भी है, ठीक है। ZAMP ये इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे पास, ZAMP 64, इस तरह को टेबल क्रिएट हो जाएगा। आप जब भी HTML की फाइल क्रिएट करते हैं तो कहीं भी क्रिएट कर लेते हैं ना, यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं अपनी मर्जी से HTML के, जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस तरह करके स्टोर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट करते हैं इसमें जो भी है, ठीक है। लेकिन जब आपने अपनी वेबसाइट को फुली फंक्शनल करना है, आपने वो सारी वाली फाइल उठा के ना क्या करनी है, इस डायरेक्टरी में जाके रख देनी है, ZAMP के फोल्डर में, WW के फोल्डर में जाके आपके सारे प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिस तरह मैं यहाँ पे देखिए एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बुक स्टोर का है, सिटी इंफॉर्मेशन का है, एम्प्लॉय डिटेल का है, रिफा का है, ठीक है। ये PHP सारे प्रोजेक्ट बने हुए MCS, मैं फर्ज करें यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट बनाता हूँ जी आपका ही BSIT, नज़र आ रहा है, ये BSIT के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, फोल्डर बना दिया, इसमें जाके मैं एक फाइल बना देता हूँ, या फाइल हम बाद में बनाते हैं, अभी वो उसके सबलाइन के जरिए
फर्ज करें मैं सबलाइम ओपन करता हूँ, जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जाके सबलाइम ओपन किया। अच्छा जी, ये सबलाइम ओपन हो जाएगा। जब तक सबलाइम ओपन होता है इसकी ये देखिए, ये ओपन हो गया। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, जो फोल्डर अभी हमने बनाया है, अभी फोल्डर बनाया है, मैं करता हूँ फाइल पे क्लिक। इसका पता है ना आपको, कोई फोल्डर ओपन करना हो, ओपन फोल्डर, वो फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ अभी। सॉरी, सी में ये पड़ा हुआ, वैम 64 में, WW में जाके के प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, BSIT ये पड़ा हुआ, ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपने, आपने जाके ये प्रोजेक्ट आ गया आपका, ये क्या आ गया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, इसमें भी कोई फाइल नहीं, आपने इसके राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी, न्यू फाइल ये आ गई। मैं करता हूँ कंट्रोल एस, इस फाइल को मैं सेव कर लेता, देखिए WWBSIT में ये फाइल सेव हो रही है जाके। मैं कर लेता हूँ ABC. किस एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं, PHP, ओके, ले लें, ये आ गई। अब आप मुझे सिंटैक्स लिखवाएं इसका, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये हो गया। अब हमने कोई चीज प्रिंट करवानी है, उसके लिए क्या लिखते हैं, एको लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ लिख दिया जी, हेलो जनाब। अब आपने क्या किया है, मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, आपने प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है, वो प्रोजेक्ट जहाँ कहाँ पे जाके क्रिएट होता है, कहाँ पे जाके क्रिएट होता है, सी में जाके, वैम के फोल्डर में, WW का आपने फोल्डर बनाया, उसमें जाके। अरे सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सारी ये हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। जी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ये देखें, BSIT है ना, BSIT मैंने फोल्डर क्रिएट किया, मैंने क्या किया, एक सबलाइम सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बताया था, जिसमें आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो आपने ओपन किया, उसमें जाके आपने फोल्डर ओपन कर लिया BSIT का, IT में जाके आपने एक फाइल क्रिएट की, राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट की, उसको सेव किया ABC.PHP, उसमें जाके ABC ये अपने फाइल बना लिए, ये सारा क्रिएट कर लिया। अब आपने देखा था, जब हम उससे पहले हमने या देखा था किस, ये सर्वर इंस्टॉल किया था ना, अब आप देखें ये सर्वर का कलर, देखें किस में आ गया, लोकल सर्वर का कलर वैम्प का ग्रीनिश, ठीक है, हाँ जी ग्रीन, ग्रीन हो गया ना, उस पर क्या लिखा आ रहा है, देखें सर्वर पे कर्सर करता हूँ तो क्या आ रहा है, ऑल सर्विसेज रन। अब मैं इसको इसका इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ कि जब कभी आप लोग सर्वर इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको इशू आएगा, आपका सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका पहले रेड कलर होगा, फिर ब्राउन होगा, लेकिन ब्राउन के बाद ग्रीन नहीं होगा, अक्सर लोगों का उनको ये इशू आएगा, क्या आएगा, ये इशू आएगा, ठीक है, वो कहेंगे सर हमारा तो ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। अब वो भी मैं आपको बताता चलूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, ये बड़ी कंसेप्ट की बात है, इसको समझिएगा गौर से सारे। आपका जो लैपटॉप है ना, अक्सर लैपटॉप में स्काइप इंस्टॉल हुआ होता है, क्या इंस्टॉल हुआ होता है, स्काइप, जो स्काइप होता है ना, वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा होता है एट अ टाइम, डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ईमेल भी किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन करती है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है ना, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे लिसन करता है, जो
आपका स्काइप है वो 80 पोर्ट पे लिसन करता है, किस पे लिसन करता है, किस पे लिसन करता है पुत्र, पोर्ट पोर्ट 80 पे स्काइप। जो आपने सर्वर इंस्टॉल किया ना वो भी किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, जो सर्वर आपने इंस्टॉल किया वो भी पोर्ट 80 पे लिसन करने की कोशिश कर रहा है। या तो आप स्क्राइब को क्विट करें या अनइंस्टॉल करें, या आपके अगर कोई इश्यू आता है इस तरह का तो आप क्या करेंगे बेटा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी पोर्ट को चेंज कर देंगे, इस जो आपने इंस्टॉल किया है इसकी पोर्ट को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, पोर्ट को चेंज कर देंगे। अब मैं पोर्ट को चेंज करने का तरीका बताने लगा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है, आपने क्या करना है, क्लिक करना है स्क्रीन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये सर्विसेज बता रहा, तीन सर्विस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है अब, अच्छा जी सर, अब दोबारा बताइएगा जी। मैं कह रहा हूँ कि वो अक्सर पोर्ट 80 को अब आपने चेंज करना है इस प्रोग्राम के लिए, आपने क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है, वो साथ ही बता रहा है ऑल सर्विसेज रन, वो सर्विसेज भी सुनते जाएं सारी की सारी, अपाची पीएचपी और माई एसक्यूएल, कौन कौन सी, पीएचपी और माई एसक्यूएल। आपसे पूछ लिया जाता है कि आप पीएचपी का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो देखें मैंने आपको करंट लेटेस्ट अभी बताया था, जो अभी यहाँ पे बता रहा था कौन सा चल रहा है, पीएचपी 8.0.6, लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा देखें यूज कर रहा हूँ, 4.3 I think 5.6। अपाची का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 2.4, 2.35। हाँ जी, MySQL डेटाबेस है, इस सर्वर में पैकेज मिलता है आपको, MySQL का भी मिलता है, तो MySQL क्या है, 5.7.3। अब इसमें MariaDB भी है, ये भी यूज कर सकते हैं आप। अब मैंने आपको बताया है, इसकी समझ आ गई ये, अब देखें ना PHP के वर्जन है, आप देखें मैं आप वर्जन पे क्लिक करता हूँ, कितने वर्जन आ गए देखें, मेरा एक प्रोजेक्ट था पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ था, तो वो बेसिकली नए वर्जन पे रन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसीलिए उसको पुराने वर्जन पे किया था यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखना मैंने उसका वर्जन अभी वो दोबारा क्लिक हो गया मुझसे, तो ये दोबारा रन होगा, तो आपने इसकी पोर्ट चेंज करनी है, पोर्ट चेंज करने का मैं बताने लगा था, वर्जन का मैंने बता दिया सारा, ओके। अब मैंने इसकी पोर्ट चेंज करनी है, बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, 80 पे, आपने पोर्ट 80 पे, जब आप इसको जाके यहाँ पे एक्सेस करेंगे ना, अगर पोर्ट 80 पे चल जाए तो वेल एंड गुड है, तो आप सिंपल ब्राउजर पे जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट करके इंटर करेंगे तो आपका सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा इधर लोकल होस्ट, ठीक है, ये वर्ड लिखेंगे। लेकिन मैंने इसकी पोर्ट चेंज की है, तो पोर्ट चेंज किया तो मुझे साथ पोर्ट भी बतानी पड़ेगी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको पोर्ट कैसे चेंज करनी है। अपाची पे गए, httpd.config, नजर आ रहा है ये, साथ साथ है सर, नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, के क्या मैंने किया, फिगर वाले पॉइंट, हाँ जी http.config, इस पे बेटा आपने पुत्र क्लिक किया जी, ये आपके पास फाइल ओपन होगी, आपने करना है कंट्रोल एफ, यहाँ पे लिखना है लिसन, क्या लिखना है, लिसन 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 करके आपने फाइंड नेक्स्ट करना है। अच्छा जी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये देखिए आ गए बच्चे, ये URL है, सॉरी ये इसका आईपी एड्रेस है, और ये पोर्ट किस पे लिसन कर रहा है, पहले किस पे लिसन कर रहा था, 80 पे, किस पे लिसन कर रहा था, 80 पे सर, पोर्ट 80 पे, उसको 81 पे कर दीजिए, ये मैंने यहाँ पे 80, यहाँ भी 80 था, यहाँ भी 80 था, ये तो कमेंट्स में आ गया ना इसके,
मैंने जाके ये इस कोड को क्या कर दिया, 81 और 81 कर दिया, ठीक है जी, समझ आ गया। मैंने इसको कर दिया, ये एक बार लिख के दिखा दे, 81 लिख के दिखा दे। ले जी ये 8 ऐसे डालता है जी, 0 ऐसे, ठीक है जी, 81 ऐसे, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है कमाल हो गया जी, कमाल जिसे कहते हैं। कंट्रोल एस भी करना है इसको साथ, आपने सेव कर लिया जी, फाइल बंद कर देंगे। जिनके तो 80 पे रन हो जाए तो वो तो लोकल होस्ट लिखेंगे, जिनके ने पोर्ट चेंज किया है 80 81 कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और साथ पोर्ट दे देंगे 81, ओके, ये मैंने एंटर कर दिया, ये सर्वर रन हो गया मेरे पास सारा, ठीक है जी, ये सर्वर रन हो गया, ओके। अब ये देखें जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे वो ये आ गए ना सारे, ये देखें सर, ये वो जो वहां पे प्रोजेक्ट कितने सारे बने हुए थे उस WW के फोल्डर में, वो सारे ये आ गए, नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ओके। ओ पुत्र हाँ ना किया करो, ओके ओके। अच्छा जी, हमने BSIT प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एक फाइल बनाई थी ABC में, इसको अब मैं इसको रन करना है ना, तो मैंने 81 के आगे क्या लगाना है, स्लैश लगा के BSIT लिख देना है फोल्डर का नाम, लिंक, ये देखिए आ गया, ये फाइल आ गई, ये कौन सी फाइल है, ये वाली जो अभी abc.php BSIT, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सेस करना है, यहाँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूँ या मैं इसके लिंक में आगे लिख देता हूँ abc.php, समझ आ रही है जी। ये इंटर किया तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, हेलो ओपन होना चाहिए, हेलो हेलो जानो, तो क्या देखे शो हो गया, कमाल हो गया सर, सर PHP इसलिए यूज होती है सर, हम इस तरह कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी।